गाइस ब्लॉग की शुरुआत सब्सक्राइबर के साथ हो रही है। क्या नाम है आपका? मनप्रीत। मनप्रीत गाड़ी पसंद आई आपको? चलो तो फिर रैप करो। मजा आ रहा है यार? शुक्र है पोलो की चाबी मैं साथ में लाया हुआ था। मिलने के लिए आए थे ना, साथ में एग्जॉस्ट नोट सुन रहे हैं। आपको गाड़ियों का शौक है? कौन सी गाड़ी पसंद है? BMW। कौन सी वाली? सारी। अच्छा ठीक है। भाई वेदर देखो एक बार, आजकल पता नहीं क्या ऐसा लग रहा है। मानसून ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो गया, मौसम पूरा खराब हो गया, काले बादल। और इससे पहले कि बारिश पड़े जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करते हैं। हल्की हल्की टिप टिप करके तो बारिश पड़ रही है, इससे पहले कि ज्यादा बारिश पड़े जल्दी खत्म करते हैं एक्सरसाइज। भाई इतना अच्छा लग रहा है मुझे जिम आके। आई थिंक आफ्टर एक हफ्ते के बाद मैं जिम आया हूँ। आज हाथ में जो लगी हुई थी बट मिस किया मैंने जिम को, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है आज एक्सरसाइज करने में। तो आज मैंने व्लॉग वैसे सोचा था जिम के बाद में स्टार्ट करने वाला, लेकिन सब्सक्राइबर मिल गए तो मैंने वहीं से व्लॉग स्टार्ट कर दिया था। बाकी अभी जल्दी से एक्सरसाइज करते निकलते हैं, जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करते हैं जिम में। हफ्ते से मैं आया नहीं, मिस नहीं किया जिम में, बहुत मिस किया। विनय भाई भी बोलेंगे बंदा कहाँ गायब हो गया भाई, जिसको ट्रेन कर रहा था मैं। लेकिन रेस्ट जरूरी था। बिल्कुल रिकवरी नहीं होगी, जख्म बढ़ती जाएगी। सही बात है यार, कभी भी ऐसे लगती है ना, ऐसा नहीं करना कि यार ठीक हूँ आज मैं जिम जाते हैं, रेस्ट कर लो, रिकवर हो गया उसके बाद ही अच्छी एक्सरसाइज कर पाओगे। जैसे कि मैं एक हफ्ते में रिकवर हो चुका हूँ पूरा। तो अभी जिम में तो व्लॉग कम करते हैं, क्योंकि लोगों को ना जिम व्लॉग बंदे बोलते हैं भाई जिम व्लॉग कम डाला करो, ये वो। जिम के लिए अलग चैनल खोलना पड़ेगा। तो अभी एक्सरसाइज करते थोड़ी सी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको। इस मनाली का वेदर ना क्रेजी है, क्योंकि पहले पूरे काले बादल थे और बारिश पड़ने वाली, और अभी तेज़ धूप आ गई है। बाकी चलते हैं जल्दी से, शोर लेट हो रहा है इसके, 1:30 बजे ना इसका ऑफिस होता है। 1:40 हो गए, ये बोलता भाई जल्दी चल पड़ो वाला। मैं एक काम कर, अपने ऑफिस वालों से मेरी बात करा, ये तो फिर तो पक्का मेरे को जॉब से निकाल देंगे। बोलेंगे भाई बैग उठा अपना और निकल यहाँ से। यार शौर्य को छोड़ने के लिए तो मैं आया था, मैंने कहा साथ में काम कराते हैं, बाइक भी वॉश करते हैं। पिछले कल की कीचड़, बहुत कीचड़ था पिछले कल इसमें ना, और जिस दिन से निकाली वॉश भी नहीं की थी। सोच ही रहा था करूंगा और पिछले कल कीचड़ के बाद तो आज तो करनी थी। साथ में टाइम का इशू था काफ़ी ज़्यादा, जब अभी आ ही गया था शौर्य को छोड़ने, मैंने कहा वॉश भी कर देते, मौसम भी अच्छा है, वॉश करके निकलते घर को, थोड़ा सा कुछ खाते डाइट लेते और उसके बाद निकलते कहीं, और बाइक लेके निकलूंगा। ऐसे ट्रैफिक में गाड़ी लेके तो कहीं नहीं जाने वाला। बहुत ट्रैफिक था भी लगा हुआ, वशी चौक से लेकर ऊपर तक सब जगह ट्रैफिक लगा हुआ है। यहाँ पे भी खा लिए वशी चौक तक, मार्केट वाइड ब्रिज से लेकर वशी चौक तक ट्रैफिक लगा हुआ है। भाई मिल चुके, कितनी देर से वेट कर रहा मेरा भाई? 2-3 घंटे से वेट कर रहे हैं यार, 10 बजे से लेके भाई मेरा वेट कर रहे। मैं जिम गया, जिम से अभी आया, मेरे को लगा भाई शायद से बाइक में आए होंगे, मैं कहता जिम आ दो, जिम में मिलते हैं। अगर आप जिम आ गए तो आपको एक्सरसाइज कराता हूँ। मेरा जो जोगी है ना जिम में ना, उस ऊपर वाला जो मंजिल है ना, वहीं पे मेरा रूम भी है, वहीं रहता हूँ मैं। सुबह सुबह मैं तो यहाँ भी घूम रहा था, विशेष में मैं यहीं घूम रहा हूँ। अकेले घूम रहे हो? और भाई भाई को लाइक कमेंट शेयर सब कुछ करो, भाई को भाई फुल सपोर्ट करो। बाकी मेरे को तो सपोर्ट करते हो, भाई का भी चैनल है किस नाम से? एक्सप्लोर द वर्ल्ड। यार इस तरह जाओ ऊपर जो ना वो धूप की लाइट देख, एक्सप्लोर द वर्ल्ड करके भाई का चैनल है, एक बार चेक जरूर करना जाके। लेकिन क्योंकि भाई ने यार वेट किया, मतलब 2-3 घंटे ना, 2-3 घंटे से मेरा वेट कर रहे हैं यार। तो ऐसे ही इसी प्यार के लिए मतलब मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं मैं यूट्यूब ना। कई बार बीच में माइंड में स्ट्राइक होता है कि भाई यार इतना वो, नहीं बिल्कुल नहीं भाई यूट्यूब नहीं छोड़ना, बाकी भाई को सपोर्ट करना ठीक है। काफ़ी अच्छा लगा फिर जिम आने में लेट हो गया हूँ काफ़ी ज़्यादा, और शौर्य नहीं आया आज, अकेले एक्सरसाइज कर रहा हूँ चेस्ट। यार आज ना बिल्कुल भी एनर्जी फील नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया यार। ऊपर से एक्चुअली चेस्ट, मैंने ना मेरे ना पूरी बॉडी का जो सबसे वीक पार्ट है वो है चेस्ट, जिसमें मैं ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ ठीक है। और पिछले कल मैं शौर्य को बोल भी रहा था, मैंने कहा मंडे है चेस्ट लगाते हैं, क्योंकि एक हफ्ते की रेस्ट के बाद, एक हफ्ते की ब्रेक के बाद मैं पिछले कल आया हूँ ठीक है। भाई साहब बोलते बैक लगा नहीं है, पिछले कल बैक लगाई और आज बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है, वेट ही नहीं उठाया जा रहा है यार। अदरवाइज मैं 10-12-15 kg इजीली उठाता था, अभी 7.5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। बाकी अभी सीन्स आपको मैं बता देता हूँ आज के क्या है। सबसे पहले जिम से फ्री हो जाते हैं, एक्सरसाइज जरूरी है, और आजकल फर्स्ट प्रायोरिटी मैं अपनी जिम को दे रहा हूँ, क्योंकि पहले बॉडी बना लेते हैं उसको तो मेंटेन कर लेंगे। आई होप आप लोग मेरी यूट्यूब फैमिली आप समझ सकते हो। बाकी अभी जिम देख सकते हो खाली है, बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई, मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ और एक भाई कर रहे हैं एक्सरसाइज बस। बाकी काम करते हैं यार, जल्दी से एक्सरसाइज खत्म करते हैं अपनी, आज है बाइसेप एंड शोल्डर, फिर निकलते हैं यहाँ से। चलिए जी, आप भी सोच रहे होंगे KTM ऐसी गीली क्यों है, दिख रही है? हाँ KTM पूरी गीली है, बारिश पड़ रही है, बार धूप भी है साथ में बारिश भी, क्रेजी वेदर है मनाली का। ये देखो काफी तेज बारिश पड़ रही थी, इसीलिए मैं ना आधे घंटे से लेके वेट कर रहा था कि बारिश रुके, अभी हल्की पड़ तो रही है हल्की हल्की ना। बाकी अभी मैं निकल रहा हूँ KTM लेके चलते वशी चौक तक, जहाँ अपनी पोलो खड़ी है, और फिर इसको वहाँ पार्क करके ना पोलो लेके जाते हैं, और एंड तक बने रहो वीडियो में, दिखाता हूँ आपको आज की वीडियो क्या सीन्स है। हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अभी कुल्लू की तरफ को। ऑफिस से निकला, बारिश रुकी हुई थी, जैसे वशी चौक तक पहुंचा पोलो के पास भाई पूरा गीला हो गया, और बारिश इतनी तेज हुई बिना आपका भाई पूरा गीला हो गया पहुंचा हुआ है बताया। और मौसम देखो कैसा हो गया मनाली का, 1x में दिखाता हूँ ज़्यादा बेटर दिखेगा। ये देखो अजीब सा ही मौसम हो गया यार, ये देखो ना बहुत अजीब सा मौसम हो गया है। बाकी निकलते हैं, मेरी गाड़ी ना बुरे हाल से गंदी हो गई थी, बारिश पड़ी हल्की हल्की साफ हो गई। अभी रोहतांग वाला जो ट्रैफिक है वो आ चुका है वापस, और मैं लगा हुआ हूँ लाइन में, साथ में ना ये देखो धूप काफ़ी तेज एंड साथ में बारिश भी पड़ रही है,
क्रेजी वेदर, दिस इज मनाली। ऐसा लग रहा है, पता है क्या, मानसून ना काफी ज्यादा जल्दी स्टार्ट हो गया है इस बार, बारिश काफी जल्दी पड़ रही है। बाकी अभी की वीडियो के क्या सीन है थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ ऋषभ के, वहाँ मेरी पुंटो खड़ी है, पुंटो में हम, पुंटो को हम कहीं लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं वीडियो एंड तक देखो बताता हूँ आपको। गाइस मैंने आपको बोला था ना मैं अपनी सारी गाड़ियाँ एक एक करके बेच रहा हूँ, तो बस वही है, मैं अपनी सारी गाड़ियाँ बेच रहा हूँ एक एक करके। यार अब मेरे को यहाँ से राइड जाना था बस स्टैंड से ऊपर को, लेकिन इस टाइम शाम को 5 बजे के बाद जाने नहीं देते, मना कर रहे सबको आगे पुलिस वाले, वहाँ देखो ना सिर्फ इतनी सी चीज के लिए इन्होंने कम से कम 20-25 मिनट घुमा के भिजवाया हमको। देखो ये देखो यहाँ पे पुलिस वाले बैठे होते हैं ना, यहाँ से यहाँ जाना था मेरे को, मतलब ये देखो यहाँ से मेरे को यहाँ जाना था पूरा खाली, और कम से कम 20 मिनट नीचे वॉल्वो बस स्टैंड तक घुमा के भिजवाया इन्होंने, देखो पूरा खाली है। उल्टा ये चीज करके तो और ट्रैफिक लगता है, क्योंकि जो नीचे भेज रहे हैं ना वहाँ सारे नीचे मोड़ रहे हैं गाड़ी, वहाँ पे उल्टा और ज्यादा ट्रैफिक लग रहा है। बस ये देखो अपनी पुंटो, काफी देर से व्लॉग इसलिए नहीं कर रहे थे क्योंकि ये देखो अलॉय वगैरह चेंज कर रहे हैं। भाई इसके जो अलॉय वगैरह है ना वो ले गया ऋषभ, और ऋषभ ने कर दिया एक कांड। ऋषभ आज थंबनेल में तू चिपकेगा, यहाँ खड़ा रहे माथा पकड़ के, बस माथा पकड़ के बैठ जा। ऋषभ ने कांड कर दिया, पता क्या कांड किया इसने, इसको मैं बोल भी रहा था, मैंने कहा मेरे भाई अलॉय मत निकाल, कहता नहीं आप गाड़ी तो दे रहे हो, बोला एक काम करते अलॉय मैं लगा देता हूँ। मैं कहा लगा क्या, मैं कहा इसको बोला भी था, मैं कहा काम करते पहले हम इसको पुंटो को छोड़ेंगे कुल्लू, ठीक है कुल्लू से भी आगे छोड़ना है हम उसको टकोली के पास, मैंने कहा वहाँ छोड़ते फिर आते वक्त अलॉय मैं दे दूंगा तेरे को ला के, ठीक है। लेकिन नहीं, कहता यहीं पर लगाने, इसने जब अलॉय चेंज किए अब इसने अपनी ब्लैनों के इसमें ये लगाए हुए रिम, लेकिन ये फिट नहीं हो रहे, चलते चलते निकल रहे, यहाँ से बाहर निकाली थी निकल गए रिम में, निकल गए इसके बाहर। बाकी अब क्या कर सकते हैं, वापस वेट करें इसकी ब्लैनों का, ये भी आने वाली है 15-20 मिनट में, जैसे ही आती है अलॉय वापस इसमें फिट करते हैं और इसको ले जाते हैं फिर। क्या यार ऋषभ व्हाट इज दिस, या इसने एक्चुअली अलॉय निकाल दिया मेरी गाड़ी से, इसमें ब्लैनों में अपने लगाने हैं, इसने स्पॉयलर भी इसने पीछे लगा दिया है, स्पॉयलर भी निकाल दिया था। आज हमने गाड़ी छोड़नी थी कुल्लू बट लेट बहुत ज़्यादा हो गए हम लोग, तो पॉइंट नहीं बनता है वहाँ से आते आते 1-1.5 बज जाएंगे रात के, तो ये बेवकूफ़ी वाला काम है, ये ना बेवकूफ़ी वाला काम रहेगा अगर रात अभी निकले हम रात को 1-1.5 बज जाएँ वहाँ से वापस ना, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है आज मनाली में। सोचो मेरे घर वाले ना पिछले 2 घंटे से लेके नीचे रांगड़ी के वो ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, तो सोचो हम यहाँ से निकलेंगे तो अभी अराउंड 9:30 बज रहे हैं, वापस आते आते 1-1.5 आराम से बजेंगे, और ज़्यादा भी हो सकता है अगर ट्रैफिक हुआ तो। बेटर है कल सुबह हम गाड़ी लेके जाएंगे, और क्या सीन हो रहा है, मैं गाड़ी क्यों लेके जा रहा हूँ सारी चीज़ें आपको कल के ब्लॉग में बताऊंगा, और कल मैं क्लियर करने वाला हूँ, इतना लंबा चौड़ा नहीं रखने वाला हूँ, कौन कौन सी गाड़ी जा रही है कौन सी गाड़ी नहीं आ रही है सब कुछ मैं कल के व्लॉग में बताऊंगा। बाकी अभी निकलते हैं घर को। चलिए जी अपनी बाइक थी बस चौक के पास खड़ी, इसको लेके निकलते, गाड़ी लगा दी मैंने यहीं पे, गाड़ी मैंने वॉशिंग सेंटर में लगाई क्योंकि कौन सुबह ट्रैफिक में फंसे यार, और सुबह मेरे को जिम भी जाना था, कल पहले जिम जाएंगे उसके बाद निकलेंगे गाड़ी ले जाएंगे। मतलब आज का दिन ना मैं सीरियसली बोल रहा हूँ बहुत गंदा गया मेरा भाई, आज तक ऐसा दिन कभी नहीं गया मेरा, क्या करने के लिए निकले थे और क्या हो गया, और सारा कुछ हुआ ट्रैफिक की वजह से, क्योंकि उससे जो ब्लैनो आ रही थी ना ब्लैनों की वजह से ही मतलब सारा सीन, और ट्रैफिक में बजी थी कम से कम चार घंटे वो ट्रैफिक में बजी थी, उसके करके हम लेट हो गए, आज का दिन वेस्ट हो गया, वेस्ट ही बोल सकते, क्या बोलूँ भाई। आज का ब्लॉग मेरे को पता अच्छा नहीं है, बट आई होप आप यूट्यूब फैमिली मेरी अंडरस्टैंड करते हो, भाई कल का ब्लॉग अच्छा बनाएंगे हम लोग, प्रॉमिस है। कल हम लोग कुल्लू जा रहे हो, सारी स्टोरी बताऊंगा मैं गाड़ियों के बारे में, क्या है क्या नहीं, कौन सी गाड़ी आ रही है, क्यों मैं गाड़ियाँ निकाल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तो बाकी आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं, घर चलते हैं और मिलते हैं आपको कल एक फ्रेश ब्लॉग के साथ। Minimum stress, that's your best, classic dress.